एपिसोड 159 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। जो अड़ाओ अपने मन में बोलती है इस फल को खाने के बाद कोई भी ताकतवर बन जाएगा। गो बोलता है मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है, लेकिन ये ग्रेट टाओ का फल असल में है जो किसी को भी क्वासी ऑलमाइटी बना सकता है। जोंग बोलता है ये मेरे मास्टर का है, अगर तुम लेने गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। गो अपने मन में बोलते हैं जबकि चैन इतना सोच रहा है मैं जल्दी से जाकर वो फल को खा लेता हूँ, फिर चैन मुझे कभी भी काबू नहीं कर पाएगा। तभी उस फल को खाने के लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाते हैं और वो लोग एक दूसरे से मुकाबला करने लग जाते हैं। लू ये मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ पर चला जाता है। गु बोलते हैं ये तो सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जो स्पिरिट एंसेस्टर ने सिखाया था इसे, वो भी बिना मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके ये सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। लू हंसते हुए बोलता है हे चैन बैक्सियन, मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था, जैसे ही मैं ऑलमाइटी बन जाऊंगा मैं अपना बदला लूंगा तुमसे। चैन बोलता है वो ऐसा बात है। गु बोलता है हे ग्रेटर डीटी, क्या तुम सही में कुछ करने वाले नहीं हो क्या? चैन बोलता है ये जेंगू स्पिरिट एंसेस्टर को वही टच कर सकता है जो इसका डिसाइबल हो। जैसे ही लुओ उसे टच करता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और वो जमीन में आके गिर जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है। चैन बोलता है कोई भी जेनू फॉर्मेशन को ऐसे ही टच नहीं कर सकता है। ग्रेट टाओ के फल के चारों तरफ एक मैजिकल स्पेल का लेयर है, यहाँ तक कि सेंट भी उसे हासिल नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है अगर तुम जैनून का डिसाइबल नहीं हो तो तुम कभी भी ये दरवाजे को पार नहीं कर पाओगे और ऑलमाइटी भी नहीं बन पाओगे। गु घुटने में बैठ जाता है, बोलता है हम लोग मॉन्स्टर क्लैन से हैं, हम लोग असली भगवान के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाएंगे, प्लीज गॉड हमें माफ कर दीजिए। और वहाँ के सभी स्पिरिचुअल बीस भी उनके सामने झुक जाता है। तभी लोग उससे बोलता है धत तेरे की, मैं ऑलमाइटी बनने ही वाला था, मैं जैनू का डिसेबल क्यों नहीं हूँ, सही में ये बहुत ही बुरा हुआ। तभी चैन वहाँ पर जाने लगता है। लोग बोलते हैं हे तुम कहाँ जा रहे हो? तभी चैन वहाँ पर जाकर वो फल ले लेता है और वो आदमी अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। जाओ बोलती है मेरा भाई जैनू का डिसेबल है। जू राहू बोलती है ये स्पिरिट एंसेस्टर का डिसेबल है। लोग बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत ही कमजोर इंसान हो। लॉन्ग बोलती है पूरे यूनिवर्स में सबसे ताकतवर इंसान का तुम डिसेबल हो। गु बोलता है ये तो सही में नामुमकिन है। चैन बोलता है ये क्यों नहीं हो सकता है? लो बोलता है तुम स्पिरिट एंसेस्टर के डिसाइबल हो, अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं तुम्हें कभी चैलेंज नहीं करता। जाओ बोलते हैं ब्रदर क्या तुम सही में स्पिरिट एंसेस्टर के डिसाइबल हो? चैन बोलता है हाँ तुम ऐसा बोल सकती हो, मैं एक बार स्पिरिट एंसेस्टर का सेवन डिसाइबल था लेकिन अब मैं स्पिरिट एंसेस्टर से नहीं हूँ। जाओ बोलती है एक बार तुम थे वहाँ पर, ये कैसा हो सकता है कि तुम यहाँ से वहाँ जाते रहते हो क्या? गु अपने मन में बोलता है एक बार जैनू सेक्टर में एंटर कर लिए तो तुम उनके पूरी जिंदगी डिसाइबल हो गए, अगर नहीं तो इसका दो ही पॉसिबिलिटी बनता है, पहला कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और वहाँ से चले गए, और दूसरा तुम्हें स्पिरिट एंसेस्टर वहाँ से निकाल दिया जिससे तुम रीइंकार्नेशन ले सको। मैं इसे मारने का कभी सोचूंगा नहीं, एक स्पिरिट एंसेस्टर का डिसेबल का नौकर बनना यह बहुत ही ज्यादा प्राउड वाला बात है, मेरे 30,000 साल का पूरी जिंदगी का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है। लोग ये सीक्रेट जान लेता है और वो वहीं पर सुसाइड कर लेता है। चैन उसके आत्मा को ले लेता है और अपने मन में बोलता है ये बहुत ही चालू है, ये मेरे सीक्रेट के बारे में जान लिया है, मैं इसे कभी जाने नहीं दे सकता हूँ। फिर वो सब लोग घुटने में बैठ जाते हैं, बोलता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चैन बोलता है मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों के ऊपर एक स्पेल करूंगा जिसे तुम लोग इस बारे में किसी और को नहीं बता पाओगे। फिर चैन उन लोगों पर स्पेल कर देता है, बोलता है ठीक है अब खड़े हो जाओ। गु अपने मन में बोलता है मुझे इससे बदला लेने के बारे में भूलना ही होगा, अगर मैं इसे फॉलो करूंगा तो मैं गॉड भी बन सकता हूँ। जाओ बोलती है हे ब्रदर मुझे इस स्पिरिट एंसेस्टर के बारे में बताओ ना, क्या हुआ था? चैन उसके गाल को सहलाते हुए बोलता है जब मेरे पास समय होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है ये ग्रेट टाओ का फल, ये स्पिरिट का लेक मैं ऐसे ही वेस्ट करने नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर इमॉर्टल विल का 9 ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करूंगा और टैनू स्टार का सभी प्रॉब्लम को खत्म करूंगा। फिर हमें अगले सीन में हुआ सिटी में दिखाया जाता है। डिसन से एक आदमी आकर बोलता है मैं डिसन माउंटेन से एक खबर लाया हूँ, हुआ क्लाइन का चैन वैक्सीन को 1 महीने के अंदर डिसन माउंटेन से जाना होगा क्योंकि उसने टैनून का डिवाइन लॉ को तोड़ा है। तभी हुआ क्लाइन का सभी एंसेस्टर बाहर आ जाता है, बोलता है चैन वैक्सीन हुआ क्लाइन का ग्रेटर डीटी है, उसने डिसन माउंटेन को कभी परेशान नहीं किया है, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत ही पहले बुरा व्यवहार किया था, तुम्हें इसके लिए माफी मांगना चाहिए। वो आदमी बोलता है डिसन माउंटेन ने ग्रेटर डीटी क्यूआई को कुछ समय पहले कस्टडी में ले लिया है, अब वो लोग चैन को पकड़ने वाले हैं। एल्डर बोलता है तुम लोग डीटी चैन को तबाह करोगे, तुम्हें क्या लगता है हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे?
जिसे माउंटेन का धमकी पाने के बाद दूसरे सभी क्लाइंट हुआ क्लाइंट से सभी नाता तोड़ देते हैं। फिर हमें डिमन सेक्टर में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है सैंडबैग से उनका भागने का अब कोई मौका नहीं है, अगर वो डिसेंट माउंटेन नहीं जाता तो वो कभी भी फू एंसेस्टर के बराबर ही नहीं कर पाता। एल्डर बोलता है ये सही में बहुत ही बुरा हुआ, हमारे पास ताकत मिलने ही वाला था, अब वो मरने वाला है। जो भी हो अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि चैन मछली पकड़ रहा होता है। जाओ बोलती है हे ब्रदर ये तो स्पिरिट लेक है ना, इसके अंदर तो कोई मछली नहीं है, तो तुम क्या पकड़ना चाह रहे हो। चैन बोलता है फिशिंग पेशेंट को कल्टीवेट करने का एक तरीका है, मैं अपने पेशेंट को कल्टीवेट कर रहा हूँ, अगर मुझे ग्रेट टाओ फल का इस्तेमाल करना है तो। जाओ बोलती है हे ब्रदर तुम इतना सोच क्यों रहे हो। चैन बोलता है ग्रेट टाओ का इनकम्प्लीट फ्रूट बहुत ही ज्यादा यूजलेस होता है, अगर ये मैच्योर होता फिर भी मैं इसे खाता नहीं ऐसे ही, मैं इसका इस्तेमाल स्पिरिचुअल ट्रेजर को कम्प्लीट करने में करूँगा। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं इसका इस्तेमाल स्पिरिट लेवल को अपग्रेड करने में नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं अपना ग्रेट टाओ को रिपेयर कर लूँ या फिर एक नया रास्ता खोलूँ, मुझे सोचना होगा कि मैं कैसे गॉड बनूँ। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जोंग जू राव को देख के बोलता है लगता है कि ये दोनों गोल्डन कोर लेवल में जाने वाली है, तो मुझे भी कोशिश करना चाहिए नेशनल सोल लेवल में जाने के लिए। फिर वो सभी लोग कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें आधा महीने के बाद दिखाया जाता है, वहाँ पर 9 सर वाला फिनिक्स आ जाता है। चैन बोलता है चलो समय आ गया है, अब तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। फिर वो अपने सभी डीमन को निकाल देता है और बोलता है ब्लैक टॉर्टोइस हमला करो इस पर। गू शॉक्ड होकर बोलता है ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये तो टाओ टेक्निक को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फिर चैन सभी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और एक बड़ा सा फर्नेस बनाकर अपने मन में बोलता है मेरे ताकत से इमोर्टल विल का 9 ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही खराब हो चुका है, अब मुझे ग्रेट टाओ का इस्तेमाल करके सभी को कंबाइन करना होगा और 9 गॉड का ताकत को अपने बॉडी में लाना होगा। फिर हमें सेक्टर लाइन के बाहर में दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए खड़े होते हैं। एक आदमी बोलता है सैन बैक्सियन अभी तक यहाँ पर छुपा क्यों है, वो रैंक फर्स्ट में कैसे आ सकता है, मुझे लगता है कि सैन बैक्सियन कोई मुसीबत में पड़ गया है इसलिए वो यहाँ पर छिपा हुआ है, नहीं तो एक गोल्डन कोर नेशनल सोल को कैसे तबाह कर सकता है, ये सभी डीटी से डर के मारे यहाँ पर छिपा हुआ है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है, बोलती है मैं चैन की नौकर हूँ। लिन हुआ जो भी चैन की एबिलिटी पर सवाल उठाएगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। वो लोग अपने मन में बोलता है ये लड़की सही में बहुत ही ज्यादा भाव खा रही है। फिर कुछ ही देर में लिन 16 डिसेबल को मार डालती है, वो भी अपने तलवार की मदद से, और उसका नाम लॉन्गिविटी लिस्ट में नंबर 20 में आ जाता है और उसे शॉर्ट फेरी भी बोला जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, मिंग आ जाता है वहाँ पर और बोलता है अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लिन बोलती है क्या तुम अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करोगे। मिंग बोलता है तुम ही तो बोल रही थी ना जो भी चैन की एबिलिटी पर सवाल उठाएगा उसे तुमसे लड़ना होगा, क्या मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ क्या। लिन बोलती है ठीक है अब तुम मरो। फिर वो उस पर हमला करके उसे वहीं पर मार डालती है और फिर वो उन लोगों को बोलती है क्या तुम लोग भी लड़ना चाहोगे। तभी एक आदमी बोलता है सही में तुम तो टैलेंटेड हो लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि तुम गलत इंसान के साथ हो, चैन ने बहुत ही ज्यादा कानून को तोड़ा है, उसका मौत कोई भी टाल नहीं सकता है। लिन बोलती है अगर मेरा मास्टर लड़ते हुए मर गया वो तुम लोगों से लाख गुना बेहतर है, वो तुम्हारे जैसे छिप के हमला नहीं करता है। फिर वो लिन पर हमला कर देता है और बोलता है अब मर जाओ। तभी वहाँ पर जी आकर उसे बचा लेती है। फिर हमें हुआ सिटी में दिखाया जाता है, एक आदमी आके बोलता है डिसेंट माउंटेन से एक ऑर्डर आया है, हुआ क्लैन के सभी मेंबर को पकड़ के नौकर बना दिया जाएगा और इन लोगों को डिसेंट माउंटेन के पिंजरे में बंद किया जाएगा। अब चैन बैक्सियन के पास 3 महीने का समय है, अगर वो डिसेंट माउंटेन में आकर अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा तो वार्निंग के तौर पर सभी क्लाइंट को खत्म कर दिया जाएगा। एल्डर बोलता है हम लोग किसी भी हालत में तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। फिर उन लोगों का बैटल स्टार्ट हो जाता है और वो बैटल खत्म होने के बाद सिर्फ ग्रेट एल्डर को जिंदा पकड़ा गया था और वहाँ के सभी डिसाइबल को वहीं पर मार दिया गया, लेकिन वो लोग अंतिम समय तक मुकाबला करते रहे। फिर हमें उस सेक्टर को दिखाया जाता है, वहाँ का एंसेस्टर बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि हुआ क्लैन और डिसेंट माउंटेन के साथ इतना बड़ा मुकाबला होगा। फिर वो चला के बोलता है हे जल्दी से जाकर बोल दो कि वो ये मेंशन के बाहर नहीं जा सकती है और घर में उसे कोई भी बात नहीं कर सकता है। तभी एक आदमी आकर बोलता है सही में चैन बैक्सियन एकदम बेकार है। दूसरा आदमी बोलता है चैन बैक्सियन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है, डिसेंट माउंटेन रीइंकार्नेशन सेक्टर से उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। वो आदमी बोलता है तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें सही में कोई आइडिया नहीं है कि डिसेंट माउंटेन कितना ताकतवर है।